बढ़ रही है सभी और रजत की नजदीकियां। तशन में छिपा रजत सभी का प्यार। सभी के घर आई ड्रामे की बहार। स्टारप्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रजत नशे की हालत में सभी के हाथों में पैसे थमाकर अपना रौब झाड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में वो सभी की बाहों में जा गिरते हैं, लेकिन रजत की बदतमीजी ऐसी कि सभी उसे माफ नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते वो उसे उठाकर उसके घर के अंदर तक ले गई। और तभी अचानक घर में मच जाता है बवाल। असल में रजत की माँ को सई कहीं मिल नहीं रही। ऐसे में वो परेशान है। रजत से भी सई के बारे में जानकारी चाहती है, लेकिन तभी रजत के हाथों लगती है सभी की अंगूठी और साथ ही इन्हें पता चलता है कि सभी सई को लेकर गई है। उसकी अंगूठी हमारे में। वॉचमैन कह रहा है कि उसने सभी को देखा हमारी सई को गाड़ी में डाल के ले जाते हुए। पता नहीं कहां गई। छोकरी तो गजब नहीं निकली। हमारे ही घर में आके हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गई। कार ले गई वो, क्यों ले गई होगी? छोड़ूंगी नहीं, एक बार मेरे सामने आ जाए छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। रात के 3-4 बजे छोटी बच्ची अगर घर में ना हो, हर जगह पे ढूंढने के बाद भी ना मिले, तो डेफिनेटली किसी भी घर में केओस होगा। वही केओस होता है, भाग के आती हूँ रजत को उठाने की कोशिश करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली रजत इज़ टू ड्रंक टू गेट अप। और फिर उसके बाद सब लोग बच्चे को ढूंढने की तैयारी करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन रजत को सई की रिंग मिलती है, बिकॉज सभी की सॉरी तो सभी की रिंग मिलती है। एंड उससे हम लोगों को पता चलता है कि ओके फाइन, सभी घर में आई थी और सही को लेके गई, लेकिन वो क्यों लेके गई, वो घर में क्यों आई, ये सब आगे फोल्ड होगा। रजत की मां ने सभी पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस को बुला लिया और पुलिस सभी के बाबा को गिरफ्तार करके ले जा रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। ऐसे में रजत आकर रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। क्या बिहेव कर रहे हैं? हाँ? बुजुर्ग है, बदतमीजी कर रहे हैं आप इनके साथ। हमने इनके खिलाफ कंप्लेन की, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से बर्ताव करेंगे। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सब। अरे ये अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है, आरोपी हैं दोषी नहीं है ये, और इनके अपने भी अधिकार है, आप इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, कंप्लेन करना आपका काम है, उसके बाद क्या करना है वो हमारा। आप इनकी बच्ची को ढूंढ रहे ना, बस वाले गाड़ी में। असल में रजत और उसके परिवार वालों को क्या पता कि सई की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते सभी सई को अस्पताल लेकर गई है। यहाँ पुलिस तो सभी के बाबा को ले गई, लेकिन तभी हो जाती है सभी की एंट्री। और जैसे ही सभी सभी की गोदी में सई को देखते हैं, तो पहुँच जाते हैं उसे खरी खोटी सुनाने और सभी पर अपना गुस्सा उतारने। मेरी बच्ची को मेरे ही घर से उठा के लेके जाने दी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको मिस्टर रजत। आपने घायती घटिया भलंडी। शट अप यू, शट अप ए लड़की। पहले ये बता कि सई को कहाँ लेके गई थी, समझी? कुछ और बोलने से पहले ना ये फाइल अच्छे से देख ले। ऑब्वियसली क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो सई को लेके क्यों गई, हमारे घर में आई कैसे रात को और सई को लेके क्यों गई। और जैसे ही पता चलता है कि रीज़न ये था, फिर एक अलग हल्ला हो जाता है घर। रजत के हाथों हॉस्पिटल की रिपोर्ट तो लग गई है और अब रजत को एहसास होगा अपनी गलती का। तो देखना होगा कि इस पछतावे के बाद क्या रजत और सभी के बीच का रिश्ता सुधरेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो 24/7 करते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो अपने व्हाट्सएप पर जाकर आप फॉलो कीजिए हमारे चैनल को भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।